आज अशमोज किचन में बन रही है मस्त ज्वार की रोटी। ज्वार को अक्सर किंग ऑफ मिलेट कहा जाता है दोस्तों, तो सोचिए आज की रेसिपी कितनी हेल्दी पौष्टिक होगी। आज हम सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स में इस भाकरी को बना रहे हैं दोस्तों। ऐसे मस्त फुले हुए सॉफ्ट रोटी की एकदम आसान रेसिपी आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने इसमें सभी ट्रिक्स और टिप्स बताए हैं। और अभी तक अशमोज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी और आप सभी लोगों का आपके इस चैनल अशमोज किचन में बहुत स्वागत करती हूं। तो जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, आज हम मस्त ज़ीरो ऑयल हेल्दी डाइट वाली किंग ऑफ मिलेट ज्वार की रोटी बना रहे हैं दोस्तों। आज की रेसिपी ना बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि आज की रेसिपी मेरी सासू माँ की रेसिपी है। वो आपको अशमोज किचन में दिखाएंगी कि मस्त फुले हुए गोल मटोल नरम सॉफ्ट ज्वार की रोटी कैसी बनती है, और वो भी पतली रोटी कैसी बनती है वो दिखा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इस आसान झटपट रेसिपी को शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस ज्वार की रोटी को बनाने के लिए यहाँ एक बड़ी सी थाल को मेरे सासू माँ ने लिया है, और इस यहाँ ऐसे कप भर के 5 कप ज्वार का आटा लेते हैं और उसको मस्त छन्नी में छान के लेते हैं, ताकि ज्वार को पीसते वक्त उसमें कुछ अलग कण होंगे तो वो भी सेपरेट हो जाएंगे दोस्तों। हमने यहाँ होममेड आटे का इस्तेमाल किया है। ये ज्वार का आटा आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बट मेक श्योर कि हमारा आटा जो है वो एकदम बारीक पीसा हुआ रहना चाहिए और फ्रेश रहना चाहिए, ताकि रोटियाँ और भी सॉफ्ट और क्रैक्स फ्री बनेगी। यहाँ जो भी आटे में मिलावट हो उसको ऐसे निकाल के लेते हैं, और पूरा आटा छानने के बाद हम उसमें से 1 कप का आटा बाजू में निकाल के ले रहे हैं, ताकि वो हम रोटी बनाते वक्त आटा यूज़ कर सके। उसके बाद दोस्तों हमने इस आटे में ऐसे एक गोल जगह बना के ली है। अभी दोस्तों हम यहाँ गैस ऑन करके उस पर एक पतीला रख रहे हैं, और उसमें उसी मेजरमेंट के कप से 1/2 कप पानी डाला है, और उसको एक बॉयल आने देते हैं। मीन्स 4 कप आटे के लिए 1/2 कप बॉयल्ड पानी चाहिए हमें। यहाँ पानी को उबाल आया है, तो ये जो पानी है उस गोल जगह में डालते हैं। यहाँ मैंने जो उबाला हुआ पानी है उसको इस आटे में डाला है, और एक चम्मच की मदद से सभी आटे को हल्का हल्का मिक्स करते हैं, और उसी चम्मच पे थोड़ी देर बाद सब आटे को कंबाइन करके रखते हैं करीबन 1/2 मिनट के लिए। ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे आटे को मस्त स्टिकीनेस आएगी और रोटी टूटेगी नहीं। इसी दौरान गैस ऑन करके हमने उस पर एक ऐसा तवा रखा है, ताकि जब तक रोटी बनाएंगे तब तक ये गर्म हो जाए। ये स्पेशली भाकरी या रोटी बनाने का तवा है दोस्तों। आपके पास अगर चपाती या फुल्का वाला तवा रहेगा, नॉर्मल वाला, वो भी चलेगा, लेकिन आपको गैस का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हमने उसी पतीले में करीबन 1 ग्लास ठंडा पानी लिया है, ताकि हम वो आटे को गूंदने के लिए यूज़ कर सके। अभी दोस्तों उस चम्मच को निकालेंगे, और जो आटे ने गर्म पानी को एब्जॉर्ब किया है ना, उसको हल्के हाथ से तोड़ देंगे और गुठलियाँ भी निकालेंगे, और अभी सभी आटे को एक बार अच्छे से ऐसे कंबाइन कर देंगे, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको ऐसे गूंद के लेंगे दोस्तों। हमें उसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, एकदम से ज़्यादा पानी डाल के उसको एकदम वाटर ही नहीं बनाना है। अगर आपके आटे की क्वांटिटी ज़्यादा है और आप एक साथ इसको गूंद नहीं सकते हैं, तो आप इसको सेपरेट 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करके भी गूंद सकते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंद लेने से रोटी को टेस्ट तो बढ़िया ही आएगी, बट रोटी और भी सॉफ्ट और क्रैक्स फ्री बनेगी। ये मेरा मेरी सासू माँ की तरफ से वादा है दोस्तों। यहाँ हमने करीबन 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे अच्छे से गूंद के लिया है, और यहाँ हमारा फर्स्ट आटा गूंदने का स्टेप कम्प्लीट हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमने उसी आटे में से एक छोटा आटे का गोला लिया है, उसको फिर से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद के लेना है दोस्तों। ये स्टेप ज्वार की रोटी बनाते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रोटी एकदम सॉफ्ट, हल्की फुल्की और टेस्टी बनती है, और ऐसे फ्रेश फ्रेश गोले को गूंद के लेने से भाकरी टूटती भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ एक रोटी का बोर्ड लिया है, और उसी आटे के गोले को थोड़ा उस पर रोल करके लेते हैं, और हाथ पे ही उसका पोली जैसा शेप बनाते हैं। अभी दोस्तों बोर्ड को रोटी चिपके ना, इसलिए हम उस पर ऐसा थोड़ा सूखा आटा डालते हैं, और उस छोटी सी पोली जैसी रोटी को हमारे दोनों हाथ से ऐसे रोटी बनाते हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं कि एक हाथ से हम उसको सपोर्ट दे रहे हैं और दूसरी हाथ से रोटी को ऐसे बना रहे हैं। इससे क्या होता है ना दोस्तों, वो गोल शेप बरकरार रहता है और रोटी के कॉर्नर्स को भी क्रैक नहीं आते हैं। अब जितना चाहे उतना सूखा आटा यहाँ यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर कॉर्नर्स को थोड़ा भी क्रैक आता है तो आप इसको इस तरीके से एडजस्ट करके उसको लॉक कर सकते हैं। इस तरीके से रोटी को प्रेस करने से आटा एक जगह पे नहीं रहेगा और वो प्रॉपर पतला शेप पकड़ पाएगा। और अभी दोस्तों दोनों हाथ को थोड़ा सूखा आटा लगा के हम इस रोटी को ऐसे हल्के हाथ से बनाते जाएंगे। दोस्तों एकदम हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है वरना रोटी बोर्ड को चिपक सकती है। अभी हमारी रोटी ऑलमोस्ट बनके रेडी है, बट उसके एजेस को थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं ताकि वो ज़्यादा जाड़ा ना हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी थिन रोटी बनी है और इसी तरह हमारी चांद जैसी गोल मटोल रोटी बनके रेडी है दोस्तों। अभी दोस्तों ये तवा जो है वो अच्छे से गर्म हुआ है। ध्यान रखना है दोस्तों, ज्वार की रोटी के लिए तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए और टेम्परेचर भी बैलेंस रहना चाहिए, नहीं तो रोटी तवे पे चिपक सकती है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पतीले में एक छोटा साफ सुथरा मल कॉटन का कपड़ा भिगो के रखा है हमने। अभी दोस्तों ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रोटी को हमारे एक हाथ से बोर्ड से निकालना है और दूसरे हाथ की मदद से पूरी रोटी को हाथ पे लेना है और तवे पे हल्के हाथ से डालना है और उसके एजेस को ठीक से सेट करना है। अभी रोटी सेकने तक गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखना है दोस्तों। दोस्तों रोटी तवे पर डालने के तुरंत बाद ये आटा सूख ना जाए और वो प्रॉपर मॉइस्ट मेंटेन हो पाए और उसी के साथ जो सूखा आटा हमने लगाया है वो ज़्यादा वाइट नहीं दिखे, इसलिए उस पर हम कॉटन के कपड़े की मदद से पानी लगा देंगे। कई कई जगह पे हाथ से भी पानी लगाया जाता है बट उससे अननेसेसरी ज़्यादा पानी हो जाता है, इसलिए हम कॉटन के कपड़े से उसको पानी लगा रहे हैं। ध्यान रखना है कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा भी नहीं रहनी चाहिए और कम भी नहीं रहनी चाहिए। अभी करीबन आधे मिनट के अंदर ही हमें इसको पलटना है। यहाँ जो ऊपर लगाए हुआ पानी भी है ना, वो भी चला गया है। दोस्तों आप यहाँ स्पैचुला यूज़ करके भी उसको टर्न कर सकते हैं, बट हमारी सासू माँ रोटी बनाने में प्रो है इसलिए उनको हाथ ही काफ़ी है, तो उन्होंने हाथ से ही इस रोटी को पलटा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक साइड से रोटी कैसी सेक गई है। यहाँ दोस्तों इस स्टेज पे इस रोटी को थोड़ा भी बबल नहीं आने देना है। हमने करीबन आधे से एक मिनट के लिए दूसरी साइड को भी सेका है और उसके बाद एजेस को भी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सेक लेंगे ताकि वो कच्चे ना रहे। सभी एजेस को सेकने के बाद हम इस रोटी को फिर से पलट देंगे और अभी दोस्तों कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फुल जाएगी। मुझे ना ऐसी फुलती हुई रोटी को देखने में बहुत बड़ा मज़ा आता है। देखिए तो सही क्या फुल गई है और बाउंस करने लगी है और इससे कॉर्नर्स भी सेक के रेडी हो गए हैं और यहाँ हमारी गर्मा गर्म रोटी बनके रेडी है दोस्तों। इसी तरह हमारी प्रो सासू माँ ने बाकी सभी रोटियों को बना के लिया है। आप देख सकते हैं कैसी गोल मटोल और फुले हुए ज्वार की रोटी बनी है जो दिन भर एकदम नरम रहती है। और यहाँ 4 कप आटे से करीबन ऐसी 6 रोटियाँ बनके रेडी हुई है दोस्तों, जो एकदम सफ़ेद है, सॉफ्ट है और पतले भी है दोस्तों। खाते वक्त आपको थोड़ा भी कच्चापन महसूस नहीं होगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको आधा कट करके दिखाती हूँ और देखिए कैसी लेयर आई है और अंदर से एकदम मस्त पक गई है और वो भी इतनी सॉफ्ट बनी है कॉटन जैसी, जिसको किसी भी एज ग्रुप के लोग आराम से खा सकते हैं। चलिए मस्त इसकी प्लेटिंग करते हैं। मैंने ऐसी मस्त थाल ली है और इस पर आज की भाकरी रखते हैं। अभी मैं सर्व कर रही हूँ ये मस्त बेसन की वड़ी। इसकी रेसिपी दोस्तों हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। उसके बाद दोस्तों मस्त समर स्पेशल कर्ड राइस की रेसिपी को सर्व किया है, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी पोस्टेड है। प्लीज़ फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी ये ठेचा है दोस्तों, जिसकी चटपटी रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी डाला है, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। यहाँ मैंने इस ठेचा के साथ मस्त मक्खन लिया है। यू वॉन्ट बिलीव बट ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये मस्त इंस्टेंट चटपटी मसाला करी बनाया है, उसको भी सर्व किया है। और अभी आया ए मस्त समर स्पेशल ड्रिंक रागी माल्ट, जिसकी रेसिपी लास्ट वीक ही आउट हुई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देती हूँ। और ये बनी हमारी ऑथेंटिक इंडियन थाली, जिसकी टेस्ट आप कभी भी नहीं भूलोगे। प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली लव दिस रेसिपी। तो कैसी लगी आपको ये मस्त
फुले हुए ज्वार की रोटी की रेसिपी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके घर में ज्वार की रोटी कैसी बनती है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। अभी तक अश्मोज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए मिलते हैं और भी ऐसे टेस्टियस और हेल्दियस रेसिपी के साथ, तब तक धन्यवाद।